तो यार गाइस, स्वागत है आप लोगों का इट्स एंड लव फॉर एवर इंडिया हिंदी में। तो आज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरी चीटी हैं, ये लोग हैं मेरी गोल्डन गैस्टर वाली कैंपनटस एंट्स। तो ये है चीटे की बिरादरी, यानी कि कारपेंटर एंट की बिरादरी की, लेकिन जो आपको अगर दिखता होगा तो, लेकिन ये इन थोड़ी गोल्डन होती हैं और थोड़ी छोटी होती हैं। तो मैंने इन लोगों में एक बहुत अलग चीज़ पाई कि देखिए, ये देखिए, अगर आपको छोटे छोटे दिखते होंगे तो ये हैं स्प्रिंग टेल्स। स्प्रिंग टेल्स करते क्या हैं कि जो हमारी एंट्स होती हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट खा पी के वो करती हैं, तो ये उस चीज़ को डिकम्पोस्ट करते हैं और अच्छे से, ताकि उनका बैक्टीरियल ग्रोथ और फंगी उंगी ना हो। तो मेरी बाकी कोई एंट कॉलोनी इनको रियर नहीं कर पाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे छोटे छोटे, इनमें डोमिनेंट वाले जो थोड़े छोटे वाले उनको दौड़ा रहे हैं। तो मेरी बाकी कोई एंट कॉलोनी इतना बड़ा नहीं कर पाई है, लेकिन इन लोगों में बहुत फ्रेंडशिप है। तो ये जो मेरी गोल्डन गैस्टर एंट्स हैं, ये इनको रियर करके रखती हैं और कई बार इनका शिकार भी करती हैं, लेकिन इनको पूरी तरह ख़त्म नहीं करती हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है एक ईयर विक जो आप देख सकते होंगे। तो ये जो मेरी एंट्स हैं बहुत क्यूट हैं, अगर धोखे से मेरे हाथ में भी इन लोग चढ़ जाती हैं तो इन लोग मेरे को कभी काटने का नहीं करती हैं, जैसे कि बाकी फिडोली एंट्स हो गई और कैंपनटस, इन लोग के सुपर मेजर वेजर चढ़ जाते हैं तो फिर बाइट कर ही देते हैं, लेकिन इन लोग बाइट नहीं करते। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन लोग बहुत फ्रेंडली होती हैं, ये देखिए, बिल्कुल भी अग्रेसन नहीं होता है। और ये लोग ज़्यादा प्रेफर करती हैं जैसे कि शुगर वाटर खाना, और बहुत अच्छी हैं एंट्स। और यहीं पे इन लोग का गार्बेज साइड भी है। ये लोग ना इन स्प्रिंग टेल्स को, जो टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं, तो इन स्प्रिंग टेल्स को खाना भी देती हैं। और इन लोगों की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, ये आपको इनके टेस्ट ट्यूब में भी दिखा सकता हूँ। ये इनका मेन टेस्ट ट्यूब है, तो इस मेन टेस्ट ट्यूब में भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे कितने सारे अगर आपको दिखते होंगे तो। यहाँ पे भी मतलब इन लोगों ने रखा हुआ है अपने साथ भी, और ना ये उनको हार्म पहुँचाते हैं ना वो उनको हार्म पहुँचाते हैं, और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इसे ही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो हमें एंड से सीखना चाहिए कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। जब देखिए ये लोग अपने साथ इन छोटे छोटे क्लीन अप ग्रोस को रख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इन छोटे छोटे जीवों को चैन से रहने दे सकते हैं, है ना। तो हमें इन एंड से सीखना चाहिए साफ़ सफाई, जैसे कि आप जानते होंगे कि एंड्स इधर सॉइल में रहती हैं, तो आपको लगता होगा कि वो लोग गंदगी में रहती हैं, बट एक्चुअली ये प्रूवन थिंग है कि एंड्स बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लीन इंसेक्ट्स हैं। ये लोग हमेशा अपने आप को देखे होंगे कि रब करती रहती हैं, और इन लोग बात करती हैं फेरोमोन छोड़ के, तो ये लोग मतलब बहुत क्लीन इंसेक्ट होती हैं। तो यही है, और इनसे क्लीननेस भी हमें सीखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं एंट, ये रब कर रही है और ये फूड ढूंढ रही है। अगर जैसे अभी इसे खाना मिलेगा, ये जाएगी और फेरोमोन्स छोड़ेगी और इसकी पूरी कॉलोनी आ जाएगी। देखिए ये ट्राई कर रही है कि ये एस्केप कर सके, है ना। तो मैं इसको एस्केप तो करने ही नहीं दूंगा। यहाँ पे मैंने एक होल बनाया हुआ है, जिससे कि अगर कभी मेरे को फ्यूचर में कुछ कनेक्ट करना हो तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। और इन लोग रह रही हैं टब और ट्यूब सेटअप में। ये टब और ट्यूब सेटअप बहुत अच्छा रहता है। खैर, मैं आप लोग को ये टेस्ट ट्यूब सेटअप बनाना सिखाऊंगा। ये टेस्ट ट्यूब सेटअप बहुत अच्छा होता है, इसमें हर काइंड के इंसेक्ट रह सकते हैं, क्योंकि इसके एक बेनिफिट ये होता है कि जो इंसेक्ट रहना चाहता है गीली जगह में, जैसे कि यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे गीली जगह है ना, यहाँ पे देखो ये वाटर रहता है, जो इंसेक्ट गीली जगह में रहना चाहता है वो यहाँ पे रह सकता है, और जो इंसेक्ट सूखी जगह में रहना चाहता है, जो सूखा जगह ज़्यादा प्रेफर करता है, वो यहाँ रह सकता है। तो ये इसका एडवांटेज होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ये बबल वाटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसका ट्यूटोरियल आपको बताऊँगा, तो तभी आप वहाँ पे देखना कि क्या फ़ायदा है। और टेस्ट ट्यूब सेटअप वाले मेरे वीडियो में, तो वो भी जल्दी ही आएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करो इस नॉलेज गेनिंग ट्रिप में बने रहने के लिए, लाइक करो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कमेंट करो अगर कोई क्वेश्चन है, मैं आंसर दूंगा आपको। और क्या कहूँ, हाँ, और लास्ट में कहना चाहता हूँ इट्स एंड लव फॉर एवर।